ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम तावुन की खलई खोल दी, रिकॉर्ड छुपाने और घुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। जस्टिस अजमत सईद ने लिखा, मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। सरबरा ब्रॉडशीट कावे मुसावी सजा याफ्ता शख्स है, हुकूमत चाहे तो कावे मुसावी के इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। वजीर आजम ने भी काबीना इजलास में तहकीकात आवाम के सामने लाने का ऐलान कर दिया। शुगर स्कैंडल समा सट्टेबाजों के खातों तक पहुंच गया। FIA ने 500 से ज़ायद खुफिया खातों की फाइल्स हासिल की। 12 मार्च को 2 माह के लिए अरबों रुपए के चीनी के सौदे हुए। मार्च के लिए 100 किलो चीनी की कीमत 9,000, अप्रैल और मई के लिए 9,500 मुकर्रर की गई। ब्रोकर मलिकबाद का हिसाब किताब जहांगीर खान तरीन की मिल से था। आमिर वहीद और ख्वाजा इमरान शरीफ खानदान की मिलों से सौदे किया करते थे। और रावलपिंडी के उर्दू बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। एक स्टेशनरी की दुकान में लगी आग ने मुतादद दुकानों को लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू के 150 से ज्यादा अहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तंग गलियों के बाईस मुश्किलात का भी सामना रहा।